Hello students and good morning to all of you. This is Brijesh Singh and I'm going to discuss with you the financial accounting only first. The topic is comparative statement and now this is a numerical portion and about the balance sheet. So comparative statement of balance sheet today I'm going to discuss with you. So it is also known as horizontal balance sheet, horizontal statement is and all these things. So first of all, you just understand the meaning, introduction of comparative statement. Yeah, balance sheet is comparing. Yeah, but the balance sheet in my previous lecture, I will discuss with the comparative profit and loss statement of comparative profit and loss. I discuss with you. Today, I'm going to discuss with you the introduction to comparative balance sheet. So first thing is meaning. So basically, it is a statement which is used for comparing the assets, liabilities, and capital. एंड सर्टेन इंक्रीज डिक्रीज इन दोज आइटम. सबसे पहले क्या मतलब है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो असेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल को कंपेयर करता है जिसको हम इंक्रीज और डिक्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी आइटम्स रिलेटेड होते हैं यानी कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज. तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज में भी करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इस टाइप की चीजें आप जब देखेंगे उसमें अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी तो वो इंक्रीज और डिक्रीज उसको फाइंड आउट करनी होती है. Then second thing, अगर हम इसको कहें तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट इन विच ईच आइटम ऑफ असेट्स इक्विटी लायबिलिटीज इज एनालाइज हॉरिजॉन्टली. ठीक है, ये सब हॉरिजॉन्टली हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं. तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट या हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी कहा जा सकता है. तो मोर देन टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स एनालाइज इन दैट पर्टिकुलर थिंग. देन एडवांटेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग इट इज रियलिस्टिक अप्रोच. तो दिस स्टेटमेंट नॉट ओनली शो द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स एट डिफरेंट डेट्स बट ऑल्सो द एक्सटेंट ऑफ देयर इंक्रीज और डिक्रीज बिटवीन दीज डिफरेंट डेट्स. तो एक रियलिस्टिक अप्रोच है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैलेंसेस जो स्टेटमेंट है नॉट ओनली शो द बैलेंसेज ऑफ अकाउंट, ये केवल बैलेंसेस को प्रेजेंट नहीं करता है बट इट ऑल्सो प्रेजेंट और also extend the increase or decrease जो भी जितना भी इसमें increase or decrease होता है between two different periods तो that would be shown by this. Second thing tracks changes की अगर हम बात करें तो it gives more importance to the changes that are tracked between different dates and rather than the figures derived on a particular date. तो track changes की बात हो रही है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेंजेस इन्फॉर्मेशन जो भी होती हैं वो हमें प्रोवाइड करता है एंड दैट आर ट्रैक्ड बिटवीन डिफरेंट डेट्स रादर देन फिगर्स. ठीक है, ये डिफरेंट डेट्स को ट्रैक करता है ना कि डिफरेंट फिगर्स को. फॉर अ पार्टिकुलर जो है डेट्स की अगर हम बात करें तो पार्टिकुलर डेट को ये इसको लेता है. सेकेंड थर्ड थिंग इज शो द ट्रेंड्स. ट्रेंड्स की बात हो रही है तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड. ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो है शो प्रेजेंट कर रहा है जहां पर ट्रेंड को प्रेजेंट करता है जैसे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड्स अगर आपको दिखाई देगा अलोंग विद द नेचर साइज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेरियस आइटम्स, अलग अलग आइटम्स के जो भी डायरेक्शन है. फोर्थ वन इज असिस्ट इन द प्लानिंग. तो इट शोज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड तो दैट विल बी हेल्पफुल इन एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग द इफेक्टिव प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द एंटायर एंटिटी फॉर द बिजनेस एज ए होल. तो जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमें दिखाई देंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड्स जो हमें प्रेजेंट होता है असेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल और अनदर जितने भी आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट्स में तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मेक प्लान्स और इफेक्टिव प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. Then next one is links, income statement and balance sheet. अगर हम बात करें तो it shows the impact of various business operation on the assets. जो भी हम income statement बनाते हैं उसका impact आपकी balance sheet पे पड़ता है. तो it also represent, it also show the assets and liabilities and capital of an entity over a period of time. तो ये अलग अलग समय पर जो भी impact उसका दिखाई देता है वो यहाँ पर present करता है. Then the preparation कैसे करते हैं. प्रिपरेशन में अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट हैज सिक्स कॉलम्स. ठीक है, यहाँ पर छह कॉलम की हम बात करते हैं लेकिन जनरली जब हम इन प्रैक्टिकली अगर बनाते हैं तो एक कॉलम जनरली जिसको हम कहते हैं नोट का जो कॉलम होता है उसको हम नहीं बनाते हैं. तो अगर आप बनाएंगे तो इट्स गुड
practice. First column and that column, component or element of items of balance sheet are shown, like assets, liabilities and other things. वो सब हमारे यहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे. सेकंड कॉलम में क्या होगा, नोट नंबर यहाँ दिया जाता है, विच गिवन इन अ लाइन आइटम इन बैलेंस शीट इज रिटन, जहां पर हम लिखते हैं उस पर्टिकुलर नोट नंबर यहाँ पर लिख दिया जाता है. थर्ड कॉलम क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर आर रिटन, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा वो लिखा जाएगा, जैसे कि ईयर 2014 उसको प्रीवियस, और जो करंट ईयर है 2015, या जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 2020 प्रीवियस ईयर, और 2021 आपका करंट ईयर हो जाएगा. फोर्थ कॉलम में आपका अमाउंट ऑफ करंट ईयर जो है वो लिखा जाएगा. फिफ्थ कॉलम, इन दैट कॉलम डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज इज द अमाउंट बिटवीन द करंट और प्रीवियस ईयर आर शोन, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट चेंज, इसको हम एब्सोल्यूट चेंज के नाम से भी जानते हैं. तो ये एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, फिफ्थ कॉलम में आएगा, जिसको इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट भी कह सकते हैं. सिक्स कॉलम, डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ कॉलम फाइव, ठीक है, कॉलम फाइव का डिफरेंस का अमाउंट लेना है. इंक्रीज और डिक्रीज जो भी होगा इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, टेकिंग कॉलम थ्री प्रीवियस ईयर का अमाउंट एज बेस अमाउंट, या बेस प्रीवियस ईयर अमाउंट भी हम इसको कह सकते हैं. इनटू 100 करेंगे, देन वी गेट द परसेंटेज चेंजेस, ठीक है. ये फॉर्मूला भी आप इसमें लगा सकते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, या बेस ईयर का अमाउंट भी हम इसको कह सकते हैं, इनटू 100, देन वी गेट द परसेंटेज चेंज इन द पर्टिकुलर आइटम्स. सो दैट इज द फॉर्मेट फॉर द कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2013-14 जो भी हम लिखेंगे, या 15-16 या 2021 जो भी ईयर होगा उस ईयर के हिसाब से हम बनाएंगे. पर्टिकुलर, नोट, प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज. तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने पॉइंटिंग दिया है इसे ताकि आपको समझ में आ जाए. तो प्रीवियस ईयर को ए है, करंट ईयर को बी दिया है, एब्सोल्यूट चेंज में सी दिया है, तो सी का मतलब है बी माइनस ए, ठीक है, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, ठीक है. देन डी मतलब परसेंटेज चेंज, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है, सी में जो भी निकल कर आएगी वैल्यू अपॉन ए आपको करना है, इन टू 100, देन वी गेट द परसेंटेज चेंज. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज अ बैलेंस शीट, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड एज एट 31st मार्च 2014 एंड 2015. प्रिपेयर द कंपेरेटिव बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपको बनानी है, तो आप यहाँ देख रहे हैं इक्विटीज पार्टिकुलर्स है, नोट है 31st मार्च और 31st मार्च 2014-15 दोनों आपने दिए हुए हैं. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 20 लाख एंड 15 लाख, रिजर्व्स एंड कैपिटल 3 लाख एंड 4 लाख है. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, 14 में 4 लाख है और 15 में आपकी 3 लाख है, ठीक है, तो डिक्रीज हुई है. नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 9 लाख और फिर 6 लाख, तो 6 से 9 हो गई है, यानी कि इंक्रीज हो रही है. यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज है ट्रेड पेबल्स है 2 लाख से 3 लाख, यानी भी इंक्रीज हो रही है. तो टोटल हम देखें तो टोटल में 27 लाख और यहाँ 35 लाख, 27 लाख और 35 लाख, इट विल बी आल्सो इंक्रीज. देन एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल. टेंजिबल 20 लाख और देन 15 लाख से इंक्रीज हो रही है. यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट 6 लाख से 9 लाख में इंक्रीज हो रही है. करंट में हम जाए तो इन्वेंट्रीज है 4 लाख से 3 लाख, ये डिक्रीज हो गई है, 2 लाख से 3 लाख ये इंक्रीज हो गई. टोटल में 27 to 35, यानी कि ये भी आपकी जो है इंक्रीज हो रही है. तो दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द सॉल्यूशन. तो हम यहाँ पर आप देखें कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड एट द मार्च ऑफ 31st 2014 and 2015. तो ये कॉलम्स आपको बनाने हैं, पार्टिकुलर्स 31st मार्च 2014 and 31st मार्च 2015, यानी कि ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर ए बी, और ये एब्सोल्यूट चेंज ये सी है आपका, ये परसेंटेज चेंज है ये डी है. अमाउंट इन रुपीज हमने लैक्स में लिख दिया क्योंकि पूरे अमाउंट ना देख के. फर्स्ट थिंग आपने क्या लिखा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो है वैसे ही एज इट इज उतार देना, सिर्फ अमाउंट आपको यहाँ पर उतारने, सिर्फ ये दो कॉलम आपको ऐड करने क्वेश्चन करते समय, ठीक है. पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला दूसरा कॉलम सेम रहेगा. यहाँ पर करंट जो पार्टिकुलर से, फिर नोट का जो कॉलम है, फिर ये दो कॉलम सेम रहेंगे, फिर ये तीसरा कॉलम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को आपको फाइंड आउट करना. बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं. तो शेयर कैपिटल कितना था 14 में 15 लाख और 15 में 20 लाख, तो डिफरेंस कितना हुआ 5, ठीक है. तो जब 5 डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 by 15 into 100, देन वी गेट 33.33, ठीक है, 33.33 अगर हम बात करें तो ये आपको फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, इसके थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखेंगे तो ये है आपका
off. Undo, undo, undo. Yeah, there is. Okay, I'm away. तो दिस इज अ फाइव एब्सोल्यूट चेंज हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ आप देखेंगे तो ये हमने करना क्या है, फाइव बाई क्या है एब्सोल्यूट जो बेस ईयर है वो कितना है, फिफ्टीन. फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड अगर आप कर देंगे देन वी गेट है. तो इस टाइप से हम जो है 5 बाय 15 इनटू 100 देन वी गेट द 33.33 अगर हम बात करें तो वो आपको मिल जाएगा. ओके, तो दिस इज द टर्म जिससे हम देखते हैं कि वो आपको जो किस टाइप की वैल्यू है वो आपको मिल सकती है. इस टाइप से आप करेंगे तो देन नेक्स्ट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात हो रही है. ये फोर है आपका, 4 लाख और ये 3 लाख है, दैट विल बी डिक्रीजेस. तो डिक्रीज हुआ है तो ब्रैकेट में हमने लिखा 1 लाख. कितना डिक्रीज हुआ तो 1/4 हम इसको करेंगे तो दैट वी गेट द 25%. देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है आपकी, तो वैसे लिखना है उनके सामने अमाउंट आपको चेक करना है. 6 to 9 हो गया है तो 6 लाख से 9 लाख यानी कि इट इज इंक्रीज्ड इंक्रीज बाय 3 लाख. तो 3 आ गया यहाँ पर, 3 का 3/6 हम करेंगे इनटू 100 देन वी गेट द 50%. ओके, उसके बाद करंट जो आप देख रहे हैं लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है 2 और यहाँ पर 3, तो 1 लाख इंक्रीज हो रहा है, 2 लाख से 3 लाख हो गया तो 1 लाख 50% हो गया. अब इनका जो टोटल है 27, ये 35, तो ये इंक्रीज कितने से हो रहा है, 8 लाख से. तो 8/27 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 29.63% आपको मिल जाएगा. ठीक है, इसी टाइप से जो असेट्स हैं आपकी, असेट्स भी हमें करनी है, नॉन करेंट असेट्स. फिक्स असेट्स हैं इसमें सबसे पहले टेंजिबल असेट्स हैं 15 to 20, ये 5 का डिफरेंस हुआ था 33.3 हो जाएगा. फिर टेंजिबल असेट्स हैं इंटेंजिबल, 6 to 9 हो गया, 3 लाख आपका इंक्रीज हो रहा है तो 3 लाख तो 50% निकलेगा, 3/6 × 100 इज इक्वल टू 50%. देन इन्वेंट्रीज है तो 4 और 3 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, 4 से 3 लाख में पहुंच गया तो 1 लाख डिक्रीज है, तो 1/4 × 100 करेंगे 25% आपको मिलेगा. फिर कैश एंड इक्विवेलेंट है 2/3 है तो 1 लाख इंक्रीज हो रहा है तो 1/2 इज इक्वल टू 50%. तो इट इज 27 देन 35 देन 8 इज डिफरेंस. तो 8/27 इज इक्वल टू इंटू 100 दैट इज 29.63%. तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं. इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है. सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है कंपेटिटिव बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड या जो भी एक्साइज लिमिटेड है. देन एज ऑन 31 मार्च 2014 and 2015, फिर पार्टिकुलर्स नोट कॉलम डेट 31 मार्च 2014 या 2015 जो भी या 1920 जो भी करंट ईयर है, फिर जो प्रीवियस ईयर है, फिर करंट ईयर आप लिखना है, फिर एब्सोल्यूट चेंज आपने करना है, फिर परसेंटेज चेंज आपने निकालना है. तो आपको बता दिया कि किस टाइप से ये चीज़ है. तो जो पहले यहाँ तक जब क्वेश्चन है क्वेश्चन का वो सेम रहेगा, फिर केवल आपको एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ही फाइंड करना है. चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं. तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अमृत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 and 2015 प्रिपेयर द कंपेटिटिव बैलेंस शीट. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉलम हमने बनाए हुए हैं. ठीक है, तो ये आपको दिए हुए नोट
अमाउंट आपके बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इक्विटी लाइबिलिटीज है आपकी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, शेयर फंड से शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख 15 लाख, रिजर्व सरप्लस है 13 लाख 14 लाख। आप देख रहे हैं इसको, ये 15 ईयर है या 14, तो 14 से इधर को आप देखेंगे तो ये इंक्रीज होगा। तो बेस ईयर जो प्रीवियस ईयर है वो 14 है और जो करंट ईयर है वो 15 है, 15 to 20 लाख हो गया, 14 to 13 लाख हो गया, यानी डिक्रीज हो रहा है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 16 लाख to 19 लाख हो रहा है, यहाँ पर ट्रेड पेबल से 2 लाख से 3 लाख हो रहा है, तो 55 लाख या 47 लाख है, तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स में अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल है 15 to 20 हो गया, इनटेंजिबल है 16 to 19 हो रहा है, करंट में 14 to 13 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन 2 से 3 लाख हो रहा है। तो ये चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ देखेंगे आप, उसी टाइप से आपको यहाँ पर करना है। सबसे पहले लिखना है कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ अमृत लिमिटेड एट 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015, अमाउंट इज इन रुपीज। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इन लैक्स आप लिख सकते हैं। देन फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर, सेकंड का नोट का कॉलम आप डाल सकते हैं, तीन एब्सोल्यूट, फिर मार्च 31 यानी कि प्रीवियस ईयर 2014 इन अमाउंट रुपीज, मार्च 31 2015 अमाउंट रुपीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज आप रुपीज में लिखेंगे, फिर जो है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी और डी है, चार कॉलम आपके हो जाएंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हैं, शेयर फंड्स हैं, शेयर कैपिटल 15 to 20 लाख हो रहा है, 5 लाख आपका इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज 33.3%, 5/15 × 100 आप करेंगे। ठीक है, देन रिजर्व एंड सरप्लस है 14 to 30 हो गया, -1 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि हम ये कर रहे हैं, ये आपका है 13, ये 20 है, तो यहाँ 14 - 13 कितना रहा, 1, तो ये देन वी टेक 1/14, ठीक है, into 100 आप ले लेंगे, ठीक है, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 7.14, आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। फिर 16 - 19 है, तो 19 में 3 लाख का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये हम करेंगे 3/by, इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर 2 to 3 यानी कि 1 लाख का इंक्रीज है, 1/2 तो 50%, तो 47 लाख, 55 लाख, 8 लाख का डिफरेंस है, तो इट इज 17.2 यानी कि 8/47 × 100 आप करेंगे तो 17.02% आपको मिलेगा। फिर इसी टाइप से नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आएंगी, तो लाइबिलिटीज करंट टेंजिबल एसेट्स इनटेंजिबल, तो 15 20, तो 5 लाख का इंक्रीज हो रहा है, तो 5/15 तो 33.3 हो जाएगा, 16 - 19 तो 3 लाख आपका देखेगा, 19 - 3 लाख इंक्रीज हो रहा है, तो 3/16 × 100 18.75%, तो 14/13 है, ये आप माइनस हो रहा है 1 का, तो 1/14 तो ये 7.14 ही रहेगा ऊपर के बराबर। फिर 2 लाख से 3 लाख हो रहा है, 1 लाख का इंक्रीज है, 1/2 × 50 100 हो जाएगा, तो 50%, तो 47 50 लाख, तो 8 लाख का डिफरेंस हो रहा है, तो 8 लाख/47 × 100 तो 17.202 आपको मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपेरेटिव बैलेंस शीट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क एंड मेक प्रैक्टिसेस फ्रॉम द बुक्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच। I hope you understand all these things.